What's up my YouTube family, welcome back to my channel. बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ की हैं, बहुत सारे YouTube बनाए हैं, बहुत सारा मैं कहूँगा बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है किसी और के लिए. अब उन लोगों के लिए भी जो लोग कार्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट किए आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, ऑफकोर्स मेरे कमेंट्स पिक्चर्स पे, और ट्रोल भी बने बहुत सारे. एनीवेज पहले मैं इस कंट्रोवर्सी के लिए बताऊं आपको 2 मिनट. ये एपिसोड थोड़ा लंबा होगा शायद मुझे एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैं वर्ड्स बहुत चूज़ करके बोल रहा हूं, वरना शायद किसी को हर्ट हो. तो एक यूट्यूबर है जिन्होंने कहा कि कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रोटीन से बन जाती है, बहुत अच्छी बात है. वो उनका बिलीव है, उनकी थ्योरी है, उनके गुरु उनके उस्ताद ने उन्हें सिखाया होगा, बहुत कम उम्र है उनकी, उन्होंने ऐसा कहा. फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने जो भी कहा मुझे पता भी नहीं था. उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे उनके बारे में पता भी नहीं था कि इस नाम का आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या उसका यूट्यूब चैनल है. जब उन्होंने मेरे बारे में कहा, जो लोगों ने मुझे एपिसोड दिए कि आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, तो मुझे पता चला कि इस नाम का कोई आदमी है जो एपिसोड बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. एनीवेज सो उनका ये ऐसा कहना था शायद इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि साहिल खान रोज़ सुबह स्टोरी बनाते हैं कार्ब्स के बारे में, जो उनके लिए उनकी तरफ इशारा है. सॉरी टू टेल यू ब्रदर, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम. यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड, यू आर नॉट माई एनिमी, यू आर नॉट माई फ्रेंड. मुझे तो पता नहीं है कि, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि हम दोनों इस बारे में क्यों अपना अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू. मैं इस तरह की वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए शायद मैं ये एपिसोड बहुत पहले बना सकता था, कुछ मैंने बनाया भी था जो बहुत एरोगेंट हो सकता था, उससे शायद आपको या आपके चाहने वालों को हर्ट होता. ये एपिसोड मैं फिर से बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि अब वो शांत हो गया है मामला, मुझे अच्छा लगा आपने अपोलॉजीज़ की, आपने लोगों से सॉरी कहा, अपने आप को अपग्रेड किया कि नहीं ये भी एक डाइट है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है. सो दैट्स इट, वी हैव नथिंग अगेंस्ट ईच अदर, गॉड ब्लेस यू. एंड नाउ अब जो मैं कहूँगा, कोशिश करूँगा उसमें से कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगे, बिकॉज इट इज़ नॉट टूवर्ड्स यू, इट इज़ दिस इज़ माई चैनल, माई एक्सपीरियंस, माई लाइफ, माई वर्ल्ड. मैं वो बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने सीखा है अपने ट्रेनर से, गुरु से, कोच से, अपनी ज़िंदगी से, मैं वो शेयर करता हूँ. सो दिस इज़ नॉट टूवर्ड्स एनीवन, अगर किसी के लिए होगा तो मैं नाम लेकर कहूँगा. इस कॉन्ट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे मेरे चाहने वाले सपोर्टर्स को कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बंद कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस अननेसेसरी नेगेटिविटी, बिकॉज आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू. आपको गलतफहमी हुई मेरे बारे में, नो प्रॉब्लम, आपने अपोलोजाइज़ किया पब्लिक से, नो प्रॉब्लम, फॉरगेट इट. एनीवेज गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कार्ब्स. जी हाँ, कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कोई नहीं होता हूँ गलत या सही बताने वाला, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं जितने लोग भी इंटरनेट पे हैं. आप गूगल कर सकते हैं, किसी भी टॉप एथलीट, टॉप वर्ल्ड क्लास एथलीट, फिजिक मॉडल जर्मी बोंडिया, फिल हीथ, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जितने भी दुनिया में एथलीट बॉडी बिल्डर फिटनेस के हैं वो, और जितने भी अदर एथलीट्स हैं, हुसैन बोल्ट, रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब, उमा दास अभी जीती हैं, इन सब में से किसी के भी डाइट को आप रिसर्च करके पता कर सकते हैं कि उसमें कार्ब्स है या नहीं है. अगर उनके, हाउ डिड दे रीच द एलीट ऑफ द एलीट क्लास, नॉट ओनली विथ प्रोटीन और फैट, राइट? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 20-25 साल से मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. जो लोग कार्ब्स को यूज़ करना जानते हैं, आई थिंक यू गाइस शुड, आप गूगल अगर करेंगे कि कोई भी आदमी जो सिर्फ प्रोटीन और फैट की डाइट पे रहता है, उसकी किडनी पे कितना लोड आता है, पैसे कितने खर्च होते हैं, किसी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं. ऑल्सो इज़ इट वाइजबल लॉन्जिविटी के लिए, क्या क्या आप पूरी ज़िंदगी ऐसा कर सकते हैं? नो, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, आपके पैसे भी सेव हों, आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा हो,
लॉन्जेविटी भी हो, आप खूबसूरत भी दिखें, आपकी फिजिक भी अच्छी हो, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, आप आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी अच्छी हो, और आप मन दिल दिमाग भी आपका अच्छा रहे, क्योंकि यू आर ईटिंग वेरी हेल्दी फूड, सम टाइम यू आर चीटिंग ऑल्सो एंड यू आर इन्जॉइंग लाइफ। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि बॉयल खाना खा के पूरी ज़िंदगी बॉयल खाना खाएं, कार्ब्स खाएं नहीं और बिल्कुल मर जाएं और ख़त्म हो जाएं। व्हाई डिड वी कम इन दिस वर्ल्ड? सम कुछ लोगों की मम्मी है, आप घर पे ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो आप कभी ज़िंदगी में मिठाई नहीं खाएंगे, कभी बिरयानी नहीं खाएंगे, ऐसा कब तक करेंगे आप? अगर आपके बेटा है, वाइफ है, कभी डिनर पे नहीं ले जाएंगे, वहाँ जाके क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे बस बॉयल्ड चिकन दे दो और मैं फैट्स खा लूँगा। इट्स नॉट रियलिस्टिक, राइट? एनी वेज, सो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और जिन लोगों की डाइट सिर्फ फैट और प्रोटीन पे हुई है, बिलीव मी, मैंने उनकी फिजिक देखी है, उनकी बॉडी देखी है, उनकी परफॉर्मेंस देखी है, इट इज़ वेरी एवरेज, वेरी वेरी एवरेज। सो आई डोंट रिकमेंड दैट, लेकिन जिन लोगों को वो पाथ पसंद है कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा ज़िंदगी में कभी करूँगा, बिकॉज आई थिंक फॉर अ 43 ईयर ओल्ड, 100 kg, द काइंड ऑफ ज़िंदगी जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, जितनी ऐसे बोलना मुश्किल है, जितनी जिस हालात पे मैं अपनी फिजिक को मेंटेन करता हूँ, 100 kg लीन मसल रहने की कोशिश करता हूँ पूरे साल, क्योंकि अगर बॉडी कम हो जाती है तो आप जैसे कुछ चाहने वाले हैं बोलते बॉडी बहुत उतर गई, ये सोचे बगैर कि बॉडी इसलिए उतरी है कि 1-2 महीने से किसी ने जिम नहीं किया है या बीमार है, या वो पर्पसली वेट वज़न कम करना चाहता है, बॉडी कम करना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है अपने आप को, इंजरीज अगर है तो उसको हील करना चाहता है। सो यू हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम बिकॉज यू आर ऑन स्पॉटलाइट। सो मुझे तो काब्स बहुत पसंद है। अब बताता हूँ, मैं कोशिश करूँगा बताने की कि किस तरह से खाना चाहिए। देखिए, मैं जो काब्स खाता हूँ, आप लोग जो मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे देखते हैं, ज़्यादातर मेरा काब्स नॉर्मली लेग्स दिन, बैक के दिन मैं थोड़ा ज़्यादा काब्स रखता हूँ। डेफिनेटली जब मेरा फैट बढ़ने लगता है, वो तो मैं दिखाता नहीं हूँ आपको, तो जब मेरा फैट बढ़ने लगता है तो मैं वो काब्स कम करता हूँ। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा लीन होने लगता हूँ, साइज़ जा रही होती है, तो मैं काब्स अप करता हूँ, क्योंकि उससे फुलनेस आती है। काब्स क्या करता है? पानी होल्ड करता है, तो वाटर होल्ड होता है, थोड़ा फेस भी ब्लोटेड होता है, नो प्रॉब्लम। हर वक्त फेस लीन हम नहीं रख सकते, क्योंकि मैं मूवी में काम नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू कीप माई फेस वेरी लीन, आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माई बॉडी वेट मसल। सो जो कुछ लोगों को काब्स ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट होता है। जब मैं बहुत रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, कार्डियो मेरा बहुत अच्छा होता है, कुछ फैट बर्नर्स यूज़ करता हूँ, तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। अगर इतने इतने फास्ट मेटाबॉलिज्म में अगर आप सुबह दिन में 2 बार वर्कआउट करते हैं, आप सुबह कार्डियो करते हैं, शाम को वापस से 1-2 घंटे वर्कआउट करते हैं, बहुत हैवी इंटेंस, आप इमेजिन करिए, आप दिन भर दिन में 2 बार आप इतना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो कैलोरीज़ अगर आपके पास नहीं होगी तो आप गेन कैसे करेंगे? इट इज़ लाइक मनी, आप 100 रुपये कमाते हैं, 50 रुपये खर्च करते हैं तो 50 बचता है, लेकिन आप 100 कमाते हैं और 100 खर्च कर देते हैं तो बचेगा ही नहीं ना आपके बैंक में कुछ। तो जितनी कैलोरीज़ मैं कम अगर लूँगा, मुझे गेन करना है, तो अगर मैं प्रोटीन और फैट से सिर्फ कैलोरीज लूँ तो बहुत लिमिटेड होगी। शायद बहुत ज़्यादा प्रोटीन लूँ तो मेरा पेट भी ख़राब हो सकता है, लूज़ मोशन भी हो सकता है, ऑफकोर्स किडनी ख़राब होने के बहुत चांसेस हैं। सो माय पॉइंट इज़ बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर वो लोग देख रहे हैं जिनका बॉडी फैट ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको काब्स डेफिनेटली कम खाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ज़िंदगी भर नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाएंगे, दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज कब तक आप नहीं खाएंगे? प्लस बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है आपके डाइट को, आपके वर्कआउट को। अगर हम नॉर्मली वेट उठाते हैं और आपको 50 पाउंड उठाने की आदत है, सो यू आर टेकिंग द डम्बल एंड यू आर डूइंग दिस 50 पाउंड डम्बल, ओके? अगर बॉडी इतना स्मार्ट है, अगर आप 50 में थक गए हैं और आपने 60 उठा लिया है, तो ये ऐसे ऐसे ये जो चेस्ट से आप भेज रहे हैं, इसके बजाय ये शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगा। बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट। अगर 50 है तब तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे ही वो 50 से 60 हो जाएगा तो आप उसको ऐसे करके टेढ़ा करके ट्राइसेप से भी भेजेंगे, शोल्डर से भी भेजेंगे। दैट इज़ हाउ बॉडी इज स्मार्ट, राइट?
सो आप कोई भी डाइट बहुत ज़्यादा दिन तक करेंगे, इट इज़ नॉट गोन टू वर्क, बॉडी इज़ गोन टू अडेप्ट. इसको प्लेटो बोलते हैं, करेक्ट. मैं रिकमेंड करता हूँ जो लोग लीन हैं उनको कार्ब्स खाना चाहिए, स्पेशली ट्रेनिंग के पहले खाना चाहिए. मैं ट्रेनिंग के पहले खाता हूँ. मुझे जैस्मिन राइस बहुत पसंद है. अगर जैस्मिन राइस आप नहीं खा सकते हैं तो वाइट राइस खाएं. जो लोग बहुत मीडियम, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत मीडियम है, तो ट्रेनिंग के पहले मैं कोशिश करता हूँ, मैं वैसे सिचुएशन पे स्वीट पोटैटो खाता हूँ. थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होता है, लेकिन उससे कभी कभी गैस भी हो सकती है. सो इट डिपेंड्स व्हाट यू लाइक, आपको चूज़ करना पड़ेगा. बट मेरे सारे मील में कार्ब्स होता है, नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक यू गाइस शुड, मैं कोशिश करूँगा जितनी भी एक्सप्लेन कर पाऊँ. यू गाइस शुड फॉलो एनी एथलीट, दुनिया में जितने भी अच्छे एथलीट हैं उनको आप फॉलो करें. अगर आप किसी भी डाइट प्लान किसी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो आपको एक पिक्चर देगा वो मील का. उसमें आप हमेशा देखेंगे थोड़ा सा कार्ब्स होगा, थोड़ा वेजिटेबल होगा और थोड़ा प्रोटीन होगा. दैट इज़ अ परफेक्ट पिक्चर जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है, राइट. इट इज़ नॉट रिकमेंड, आई मीन मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कार्ब्स पे, और आप लोग को भी करना चाहिए. अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है सो आप ट्रेनिंग के पहले कार्ब्स लें और ट्रेनिंग के बाद कार्ब्स लें. उसके बाद वाले मील्स में आप कार्ब्स नहीं मिलेंगे तो चलेगा. फिर धीरे धीरे आप फैट बर्न लेते हैं, कार्डियो इंक्रीज़ करते हैं, सो मेटाबॉलिज्म आपका बर्न होता रहता है. लेकिन ट्रेनिंग के पहले और आफ्टर यू विल सी द पंप. कार्ब्स का काम है पानी होल्ड करना. यू विल फील द स्ट्रेंथ, स्पीड, परफॉर्मेंस, लॉन्जिविटी, लाइफस्टाइल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट ईटिंग बॉयल चिकन एंड सम फैट एंड जस्ट कीप ट्रेनिंग एंड डाई. ऐसा नहीं है ना. सो ये एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है मेरे ख्याल से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जितने समझदार हैं उन लोगों को अब तक समझ में आ चुकी होगी बात. अलग अलग कार्ब्स के सोर्स होते हैं. आप डेफिनेटली हेल्दी फैट्स भी खाएं, प्रोटीन भी रखें डाइट में, अलग अलग तरह के प्रोटीन यूज़ करें. मेरे अगर आप दूसरे एपिसोड में आप देखेंगे तो मैंने प्रोटीन में ब्लेंड करता हूँ राइस को भी. मैं कार्ब्स भी जब खाता हूँ तो कार्ब्स को ब्लेंड करता हूँ. नॉर्मली आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, मैं अगर चिकन खा रहा हूँ चिकन के साथ मैं एग्स मिक्स करता हूँ. दैट इज़ अ बिग बेटर कॉम्बिनेशन, बेटर अब्जॉर्प्शन होती है उससे खाने की. अगर मैं राइस खाता हूँ तो राइस के साथ थोड़ा सा स्लो भी कुछ खाता हूँ. बहुत फास्ट रिकमेंड, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है जब मैं रेगुलर ट्रेनिंग करता हूँ, कार्डियो करता हूँ. तो उस ज़माने अगर नहीं लगती है तो बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा चॉकलेट खा लेता हूँ या थोड़ा सा चीट मील खाता हूँ जो शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है. तो मुझे ऐसा अच्छा फील भी होता है, मेंटली भी आई फील वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ तस्वीरें खींचनी पड़ती है. कभी लोग आप पे आप रहते हैं, डाइट पे हर वक्त रहते हैं, और जब आप भीड़ में जाते हैं तो आप किसी से बहुत रूडली भी बोल सकते हैं बिकॉज मूडी हो जाते हैं आप. सो इस वक्त मेरे दिमाग में जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूँ. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, वी आर इन फुकेट, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है. मुझे अचानक अच्छा मूड था, मुझे ऐसा लगा अभी किसी ने कहा कि आपने कार्ब्स के बारे में बताया नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आप देख सकते हैं धूप में बैठा हूँ मैं, अभी भी विटामिन डी ले रहा हूँ, टैनिंग कर रहा था. तो मैंने कहा चलो अभी बना के अपलोड कर देता हूँ. सो अगर आप में से कोई, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, प्लीज़ पूरा मत आप देखो कि मैं कितना चीट मील खाता हूँ, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि मैं सुबह उठ के कार्डियो करता हूँ या नहीं. जब मैं चीट मील खा रहा हूँ तो अगर मैं मान लीजिए 6 मील डाइट का खाता हूँ और 500 कैलोरीज हैं, दैट इज़ इक्वल टू 3000 कैलोरीज. ओके, अब आपने 6 मील मेरे डाइट के घर पे देखे जो चिकन राइस ब्रोकली लोग खाते हैं, उसको अगर हटा करके मैं 4 मील खाता हूँ जिसमें पिज़्ज़ा होगा, दूसरे में बर्गर होगा, तीसरे में कोई चाइनीज़ होगा, चौथे में कुछ भी. आपने ये 4 मील देखे बहुत सारे, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं चीट मील खा रहा हूँ, लेकिन मेरी कैलकुलेशन 3000 कैलोरीज है. तो 6 मील डाइट का और 4 मील चीट मील का, या 3 मील चीट मील का, इक्वल टू 6 मील डाइट का, करेक्ट. कैलोरीज मेरे सेम है. ये मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे मिल नहीं रहा है, डाइट फूड नहीं मिल रहा है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. और ये मैं इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे ज़िंदा रहना है और मैं इन्जॉय भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हॉलीडे में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं चीट मील खा रहा हूँ. मेरा फैट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये ग्लास भरेगा नहीं. अगर मेरा 3000 कैलोरीज बर्न करती है बॉडी और मैं चार
चीट मील खा रहा हूँ जो 3,000 ही है, चाहे वो पिज़्ज़ा बर्गर कोई भी पास्ता कुछ भी हो, मैं फैटी, मेरा फैट नहीं बढ़ेगा, पैसे के जैसा है जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन क्या है, आप लोग सिर्फ देख रहे हो यार इतना चीट मील खा रहा है फैट कैसे नहीं बढ़ रहा है। मैं चीट मील 3 खा रहा हूँ या 4 खा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं डाइट मील 6 या 7 खाता हूँ, सो द कैलोरीज इज इक्वल। हाँ, जब मैं ये खाता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब मैं डाइट मील 6 खाता हूँ तो मैं लीन मास गेन करता हूँ, जब मैं डाइट मील खाता हूँ तो मैं हेल्दियर होता हूँ। लेकिन जब ये मैं खा रहा हूँ कुछ दिन के लिए कभी भी, तो मैं वो जो बेनिफिट है मेरी मसल ग्रोथ का, जो मेरा परफॉर्मेंस है, वो सब की अपॉर्चुनिटी को मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ज़िंदा रहना है, मैं ट्रैवल करना है, मुझे अलग अलग सिचुएशन पे रहता हूँ, तो मैं हर जगह किसी को बोल नहीं सकता कि मुझे डाइट फूड दो। सो आई होप आपको समझ में आया कि मैं चीट मील खाता हूँ तो क्या करता हूँ, और ये डाइट मील खाता हूँ तो क्या करता हूँ। इट इज़ इक्वल कैलोरीज। होप यू गाइज अंडरस्टैंड जो भी मैंने कुछ कहा। किसी को अगर बुरा लगा हो, किसी के सपोर्टर्स को बुरा लगा हो, किसी यूट्यूबर को बुरा लगा हो, सो आई हैव नो इंटेंशन टू हर्ट एनीवन। थैंक यू। हमारी फैमिली बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई एम वेरी सरप्राइज के सिर्फ 50 वीडियो में 620 के सब्सक्राइबर बड़ी हो गई है फैमिली। मुझे कुछ करना पड़ेगा आप लोग के लिए और कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच जितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया है और जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी टीम ने बताया कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर्सनली तो अगर मिलेंगे तो मुझे बताइए कि आपने शेयर किया है, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको अटेंशन दे पाऊँगा। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। काब्स बेबी।